नमस्कार, मैं हूं प्रवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। दिल्ली में की गई है जलभराव के 147 पॉइंट्स की पहचान, इनमें 7 पॉइंट पर समस्या बेहद गंभीर। जलभराव के इन 7 पॉइंट पर समस्या दूर करने के लिए पीडब्ल्यूडी ने शुरू किया काम। दूसरे फेज में 50 उन पॉइंट पर काम शुरू होगा जहाँ जलभराव की समस्या क्रिटिकल है। सभी पॉइंट्स की स्टडी की जाएगी और समस्या के अनुसार उसे दूर किया जाएगा। पहले 7 पॉइंट्स पर फरवरी तक पूरा हो जाएगा काम। दिल्ली में बेहद कमजोर पड़ चुका है कोरोना। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 60,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद सामने आए महज 39 नए मामले। राहत की बात, लगातार तीसरे दिन एक भी मरीज की मौत नहीं। राजधानी में अब सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर हुई 344। पिछले 24 घंटे में 38 मरीज हुए संक्रमण से ठीक। अस्पतालों में 223 मरीजों का चल रहा है इलाज। वहीं होम आइसोलेशन में है 80 मरीज। कोविड केयर सेंटर में भी 2 मरीज करा रहे हैं इलाज। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी। केजरीवाल सरकार ने ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट लगाने और क्रायोजेनिक टैंकर खरीदने के लिए मांगे आवेदन। 16 दिसंबर है आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख। राष्ट्रीय राजधानी में जीवन रक्षक गैस की उपलब्धता में सुधार करने के इरादे से प्रोडक्शन प्लांट और स्टोरेज सुविधाओं को स्थापित करने के लिए बनाई गई है मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति। भविष्य में किसी भी संकट या मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली को मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है इस नीति का उद्देश्य। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कार्यवाहक कुलपति पीसी जोशी ने कॉलेजों को चरणबद्ध तरीके से खोलने के लिए संकेत। कुलपति पीसी जोशी ने कहा, छात्रों की सुरक्षा हमारे लिए एक प्राथमिक चिंता है, इसलिए शुरुआत में सीमित छात्रों को ही कॉलेज बुलाएंगे। डीयू के एक अधिकारी के मुताबिक बुधवार को वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में अगले सप्ताह से विश्वविद्यालयों को खोलने का लिया गया है फैसला। दिल्ली एयरपोर्ट से सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी। यहां से अतिरिक्त बैगेज ले जाने वाले यात्रियों को 50% कम शुल्क देना होगा। अतिरिक्त बैगेज सड़क मार्ग और हवाई मार्ग से पहुंचाने के लिए की गई है नई सेवा की शुरुआत। अब तक केवल एयरलाइन हवाई रास्ते से सामान भेजती थी। दिल्ली एयरपोर्ट की संचालक कंपनी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी डायल ने शुरू की है ये नई सुविधा। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री सत्येंद्र जैन ने विभाग के अधिकारियों और वास्तुकारों के साथ की बैठक। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में नए हॉस्टल बनाने की रूपरेखा पर की गई है चर्चा। दिल्ली सरकार मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज हॉस्टल को नए सिरे से कर रही है तैयार। मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज का नया छात्रावास आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। छात्रावास की मौजूदा क्षमता 438 बेड की है, इसकी क्षमता को बढ़ाकर 1000 बेड तक ले जाया जाएगा। इस छात्रावास को दिल्ली सरकार कम लागत और बेहतर डिजाइन के साथ बनाई। बाहरी दिल्ली के मुंडका में एक व्यक्ति ने झगड़े के बाद अपनी 55 साल की मां को कथित रूप से मारी गोली। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया है भर्ती। घायल महिला रोशनी को फिलहाल उपचार निगरानी में रखा गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी संदीप घटना के बाद से है फरार। उन्होंने कहा कि आरोपी बेरोजगार है और अपने गांव की जमीन को किराए पर देकर खर्च चलाता है। दिल्ली की अदालत ने शिल्पा शेट्टी राजकुंद्रा के खिलाफ 41 लाख रुपए के धोखाधड़ी पर पुलिस से मांगी कार्रवाई रिपोर्ट। आनटैंक बिल्डर्स LLP ने अपने साथी विशाल गोयल के माध्यम से दायर की गई शिकायत में कहा है कि आरोपियों ने एक योजनाबद्ध साजिश के तहत उन्हें अपनी कंपनी बियान इंडस्ट्रीज की एक शानदार तस्वीर दिखाकर ये बताकर धोखा दिया कि ये गेमिंग एनिमेशन लाइसेंसिंग प्रौद्योगिकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के व्यवसाय में लगी हुई है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि व्यवसायी से 41 लाख से ज़्यादा का निवेश करने के लिए प्रेरित करने के बाद आरोपियों ने अपने स्वार्थ के लिए धोखाधड़ी की और पैसे की हेराफेरी। दिल्ली को बागों का शहर बनाएगी केजरीवाल सरकार। राजधानी को खूबसूरत बनाने के लिए खास योजना पर काम कर रही है दिल्ली सरकार। पार्कों में विशेष छायादार और खुशबूदार पौधे लगाए जाएंगे
जिससे यहां आने वाले लोगों को खुशी महसूस हो। सरकार ने लोगों से भी मांगे हैं सुझाव, जिससे राजधानी के पार्कों को खूबसूरत बनाया जा सके। पार्कों के साथ साथ सड़कों के किनारे पौधों को लगाने की जगह पर पहले से ही चल रही है छायादार पौधे लगाने की योजना। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर राजधानी के पार्क खूबसूरत और खुशबूदार होंगे तो यहां आने वाले नागरिकों का स्वास्थ्य और उनका मन खूबसूरत होगा, जो कि किसी भी शहर को बेहतर बनाने के लिए है जरूरी। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की विपश्यना साधना का आज पांचवा दिन। जयपुर के गलताजी में विपश्यना साधना कर रहे हैं सीएम केजरीवाल। विपश्यना केंद्र के नियम कायदों और हर दिन के एक तय शेड्यूल का कर रहे हैं पालन। 9 सितंबर तक किसी के संपर्क में नहीं रहेंगे सीएम। उनकी गैर मौजूदगी में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया संभाल रहे हैं कामकाज। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।